जी गाइस हाईवे पे पहुंचे हैं तो हाईवे पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। आई डोंट नो क्यों ट्रैफिक जाम है, पता नहीं कहाँ से जाएंगे। थोड़ी सी देर तो हो गई है, एक तो आने में हमें देर हुई है, तो बाद में बिजली के हवाले से हमने स्ट्राइक कर रखी है, कोई आगे चाय वाय जला के तो इंशाल्लाह जल्दी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है। हर मुश्किल का हल, चल मलंगा चल, चल मलंगा चल, चल मलंगा सेवा धरती चल। जी गाइस हम लकीशा सदर पहुंच गए हैं और ये 450 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग हैं जिनका ये मज़ार है। बस अभी हम उतरेंगे और फिर जाएंगे अंदर और फिर आपसे आपको दिखाते हैं। आजी फूल फूल तो ले ले, आजी हम वीडियो बनाइए फूल तो ले ले। ठीक है हम पहुंच गए हैं बोधली बहार पे और यहाँ पे यहाँ पे हाजिरी लगा के ज़ियारत करके फिर एक जगह स्टे करेंगे और फिर जाएंगे लाल शहबाज कलंदर के बाज़ार पे। ये हम बोधली बहार पे हैं, उसका भी मैं
तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि शाम तक ठंड हो जाएगी। और ये कुछ यहाँ के नज़ारे हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। और हम लाल शहबाज परिंदे के मज़ार पे भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टे करेंगे घर पे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। Few moments later. जी भाई, तो अब हम जा रहे हैं लाल शहबाज परिंदे के मज़ार के अंदर, और बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि अभी उनके डेज चल रहे हैं, तो बस बेतहाशा रश है एंट्रेंस पे। अस्सलाम वालेकुम लाल शहबाज परिंदे। नगरी कलंदर की मलंगों की सजी है, परचम गाजी के सबब और हसी है, इतना हसी है आज मंजर। जीत गया लाल कलंदर, हो हाल भया है दुश्मन है, जीत गया लाल कलंदर। अब देखो
जी गाइस, तो ये था सेवन का व्लॉग जो कि हमने आपसे शेयर किया, जिसमें हमने आपको लाल शहबाज कलंदर और बोतले शाह की ज्यारत करवाई और हमने भी की, जो कि बहुत अच्छी ज्यारतें हमारी रही ये। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में बताएँ कि कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से और अच्छे से क्लिप के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और
नेक्स्ट व्लॉग आएगा खैरपुर का, जिसमें हम जाएंगे अभी बड़े आलम, तो उसका व्लॉग भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।